गाना बंद करो। शुरू करें। हाँ नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और इस वक्त हम लोग मोहनलालगंज के क्षेत्र में, यहाँ पर रोड शो चल रहा है। यहाँ पे बीजेपी, निषाद पार्टी और अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी अमेश रावत हमारे साथ में मौजूद है, जो लगातार जनसभाएं करते आ रहे हैं। और आज इनका जनसंपर्क का कार्यक्रम था, आज यहाँ पर इनका रोड शो का कार्यक्रम इन्होंने किया था, तो उस पे क्या कहेंगे, सीधे बात करते हैं। अमरेश जी, आज आप लगातार जनसभाएं करते आ रहे हैं और आज आपने रोड शो का कार्यक्रम किया है, इस दौरान आपकी क्या व्यवस्थाएं रही और किस तरीके से कार्यक्रम किया है? हमने आज के दिन का जो है सभी गाड़ियां हमारी परमिशन की, परमिशन ले करके, क्योंकि बहुत जगहों पे हम पहुंच नहीं पाए थे और हमारे वोटर और सपोर्टर और कार्यकर्ता भाई बंधु सब लोग बार लगातार फोन कर रहे थे कि हमारे यहाँ नहीं आए, हमारे यहाँ नहीं आए। तो हमने एक संदेश देने का काम किया रोड शो दे करके कि सारा जो है क्षेत्र में सब तक आवाज़ पहुँच जाए, सब लोग जान जाए कि समय कम है, इसलिए हमें रोड शो करना पड़ा सब जगह ना पहुँच पाने के कारण। इसलिए हम ऐसा किए और बहुत लोग खुश हैं, खुशी से झूम रहे हैं सभी लोग, पूरा एकदम विजय का परचम लहरा गया है। अच्छा, ये रोड शो का कार्यक्रम आपका कहाँ से कहाँ तक का रोड शो का कार्यक्रम आपने रखा है? ये खुजौली से लेकर के मोहनलालगंज से सिरसेंडी से और दयालपुर से निगोहा से समेसी से नगराम से हरदोइया से गंगागंज से अमेठी मुंशीगंज होते हुए गोसाईगंज से अब ये मलौली की तरफ चल रहे हैं जी। अभी जिस तरीके से आपने इतने सारे क्षेत्रों में अभी ये रोड शो का कार्यक्रम किया है, उसके चलते आपको जनता का किस तरीके से समर्थन देखने के लिए मिल रहा है? बहुत बहुत खुशी के माहौल में झूम रही है जनता और पूरा आशीर्वाद हमें दे करके और आज ही तय कर दिया है कि आप 50,000 के पार विजय फाइनल जी। अच्छा, अब आगे आप जिस तरीके से लोगों की आपके आपसे काफी अपेक्षाएं हैं, अभी आपने कई क्षेत्रों में दौरा किया तो उनमें अपेक्षाएं भी उन्होंने अपनी जाहिर की गई होंगी, तो किस तरीके की अपेक्षाएं उन्होंने जाहिर की है? अपेक्षाएं बहुत कुछ नहीं जाहिर की है, सबसे बड़ी खुशी इस जनता को, हमारे बीच के सदस्यों को इस बात की है कि आज़ादी से लेकर के अब तक की मोहनलालगंज विधानसभा में 176 मोहनलालगंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीता है। इसे जीत की लहर में झूम रहा है कार्यकर्ता कि अब हम इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज़ादी से अब तक जो कमल नहीं खिला, इस बार सबने तय कर लिया है कि कमल खिला के रहेंगे। अच्छा अमरेश जी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने और मोदी जी ने आपको एक मौका दिया है यहाँ पे मोहनलालगंज की क्षेत्र की जनता के लिए, तो अगर आप विधायक चुन जाते हैं, आप अगर यहाँ पर जीत अपनी हासिल करते हैं, तो आप फिर किस तरीके से अपनी पैड बनाएंगे, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की वादों पर खरा उतरेंगे? जिस तरीके से हमारी मोहनलालगंज विधानसभा के क्षेत्र की जनता ने प्यार और आशीर्वाद दिया है, इसी तरीके से जीतने के बाद हम सभी के बीच में बेटे और भाई के रूप में प्यार और मोहब्बत का मिसाल देने का काम करेंगे और सदैव उन्हें मान सम्मान का करेंगे, मान सम्मान पे आँच नहीं आने देंगे, इसका मैंने वादा किया है। और अमन चैन का परचम लहराएंगे 176 मोहनलालगंज विधानसभा में। आपने अपने क्षेत्र में कुछ विकास कार्यों के लिए सोचा होगा, आपने क्या क्या मुख्य एजेंडा अपने क्षेत्र के लिए सोचे हैं? हमने जो भी अब तक की रुकी सड़कें हैं वो सभी सड़कें बनाएंगे। सर्वप्रथम कन्या डिग्री कॉलेज बनाने का प्रस्ताव है और जितने भी कार्य अब तक के नहीं हुए हैं सारे महत्वपूर्ण कार्यों का महत्व देंगे और बराबर जनता के बीच में बैठ करके पारदर्शिता रखेंगे। सरकारी धन का एक भी पैसा सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, ये वादा है मेरा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मोहनलालगंज से बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी हमारे साथ में मौजूद है, जिन्होंने अपने मोहनलाल क्षेत्र में यहाँ पर उन्होंने रोड शो का कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियाँ तकरीबन 60 से 70 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, जिसमें लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है, लोगों की अपेक्षाएं यहाँ पर बहुत लोगों की बनी हुई है कि वहाँ सबने अपने अपनी समस्याएं यहाँ पर रखी है और इसी तरीके से वो अपने उत्पादों की पूर्ति करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं श्वेता गर्ग, लाइव टीवी, लखनऊ। अमरेश भैया कैसा हो, लालगंज के विधायक कैसा हो, ना झुकेगा ना रुका है ना रुकेगा, अब लहराएगा भगवा, बस लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, लहरा के रहेगा भगवा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजधानी से लेकर हर तहसील तक, जनता की समस्या से राजनीति तक, आपकी आवाज को धार देते हैं हम। बात भ्रष्टाचार की हो या बढ़ते अपराध, सच दिखाने का रखते हैं तब, क्योंकि प्राइम टीवी है हम।